अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पीडीएम के इमरान खान को दी गई 31 जनवरी की डेडलाइन गुजर गई है। वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा नहीं आया, ना ही अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च का बाकायदा कोई ऐलान किया है। कल तक पिंडी की जानिब लॉन्ग मार्च की धमकियां देने वाले मौलाना फजलुर रहमान ने अपने सियासी मौक़िफ़ पर ऐसा यू टर्न लिया कि इस्टैब्लिशमेंट से शुरू की गई जंग को गिले शिकवों में उन्होंने तब्दील कर दिया। कहा यह जा रहा है कि इस्टैब्लिशमेंट के लिए मौलाना फजलुर रहमान के लहजे में नरमी की असल वजह नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की वो सियासत है जिसने पीडीएम को सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने पर मजबूर किया है। एक तरफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत असम्बलियों से इस्तीफे देने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान भी लगता ऐसे है कि बंद गली में दाखिल होने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ऑपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद का रास्ता दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जमीयत उलमाए इस्लाम की क़यादत ये समझती है कि 100% यकीन होने तक इन हाउस तब्दीली की हिमायत नहीं कर सकते। एक तरफ मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि इस्तीफे देने की डेडलाइन गुजर जाने के बाद अब इमरान साहब को टीवी से पता चलेगा कि वो घर जा चुके हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि पीडीएम के गुब्बारे से हवाई निकल चुकी है, इनसे उनको कोई ख़तरा नहीं है। आज पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ सियासत में जो है ना वो पैसा लाए, उसामा बिन लादन से पैसे लिए, कब्ज़ा माफिया के ज़रिए नवाज शरीफ ने अपनी ATM बनाई, खोखर बरादरान मुस्लिम लीग नून की ATM है। साथ ही वज़ीर आज़म ये भी समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ने 40,000 से ज़ायद डोनर्स की तफसीलात जमा करवा दी हैं। फॉरेन फंडिंग में दूसरी तरफ से किसी डोनर की तफसीलात जमा नहीं कराई गई हैं। एक तरफ वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि ऑपोजिशन सेनेट इंतखाबात शफाफ बनाने के लिए आइनी तरमीम की मुखालिफत करके ख़ुद को बेनकाब कर रही है, तो दूसरी तरफ ऑपोजिशन ये समझती है कि हुकूमत को इस बात का खौफ है कि अगर खुफिया वोटिंग के जरिए सेनेट इलेक्शन हुआ तो हुकूमत को तवक्को से कम नशस्तें मिलेंगी, जबकि सेनेट इलेक्शन से पहले हुकूमत अपने इत्तेहादी जमातों का एतमाद हमें हासिल करती हुई नज़र आ रही है। आज मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ने वज़ीर आज़म से इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म ने सेनेट इलेक्शन में मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार कामिल अली आगा की हिमायत का ऐलान किया। बज़ाहिर काफ लीग को सेनेट की एक नशस्त देकर वज़ीर आज़म ने पंजाब में बगावत के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं, मगर दूसरी तरफ अगर हम अवामी हालात की बात करें, बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अब कल पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ, इस फैसले ने अवामी हलकों में हुकूमत के खिलाफ यकीनी तौर पर एक सख्त नाराज़गी को जन्म दिया है। अवाम ये समझती है कि जोड़ तोड़ की सियासत से वज़ीर आज़म सेनेट का इलेक्शन तो जीत सकते हैं, मगर शायद अवाम का दिल नहीं वो जीत सकेंगे, क्योंकि वो महंगाई को कंट्रोल करने में अभी तक नाकाम है। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन के नुमाइशी एहतजाज भी अब अवाम की तनकीद का बायस बन रहे हैं। अवाम सिर्फ ये जानना चाहती है कि इक्तदार की जंग हुकूमत जीते या अपोजिशन, अवाम को मिल क्या रहा है, अवाम को मिलेगा क्या। दूसरी तरफ आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने टेलीफोन कॉल्स के जरिए अवाम के सवालात का जवाब दिया। अपनी गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने मुल्की मसाइल पर बात की, अपोजिशन पर कड़ी तनकीद की। अब वज़ीर आज़म का ये इकदाम अवाम की आवाज़ को जो है उन तक पहुंचा सकेगा, ये एक अहम सवाल है। मगर नाकदीन ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म को टेलीफोन कॉल्स के जरिए अवाम के मसाइल सुनने की बजाय गवर्नेंस सिस्टम को बेहतर बनाना चाहिए। अब सवाल ये है कि वज़ीर आज़म के इस्तीफे की डेडलाइन गुजरने के बाद अपोजिशन की अगली स्ट्रेटजी है क्या। ये भी अहम सवाल है कि मौलाना फजलुर रहमान के लहजे में इस्टैब्लिशमेंट के लिए नरमी जो आई है इसकी असल वजह क्या है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुरम दस्तगीर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खुरम साहब आपका। खुरम साहब, 31 जनवरी की डेडलाइन गुजर गई, बड़ी तनकीद हो रही है अपोजिशन पर कि हुकूमत को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अपोजिशन उम्मीद लगाए बैठी थी कि वज़ीर आज़म साहब जो है ना वो 31 तक इस्तीफ़ा दे देंगे, नहीं दिया, हम लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, कल तो लॉन्ग मार्च का भी कोई ऐलान नहीं हुआ। आप लोगों की अगली स्ट्रेटजी है क्या, क्या वाकई उम्मीद थी कि कल तक प्राइम मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे देंगे? जी, उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक जमहूरी इतिहाद होने के नाते हमें वज़ीर आज़म को एक पुरअमन मौका देना था कि वो उससे फ़ायदा उठाएं और पाकिस्तानी अवाम को जिस अजाब में उन्होंने मुब्तला किया है उससे उनकी जान छुड़ा दें, लेकिन वज़ीर आज़म ने वो ऑप्शन नहीं लिया। तो आप देखेंगे कि दो दिन बाद
चार तारीख को जब सरबराही इजलास होगा पीडीएम का, उसमें लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान हो जाएगा और उस मार्च लॉन्ग मार्च के दौरान उसके जो भी धरना होगा उसमें अगर हमें महसूस हुआ कि एक खास वक्त पर इस्तीफे देने से मामलात उस तरफ जा सकते हैं जहां हम उन्हें ले जाना चाहते हैं तो फिर हम इस्तीफे भी देंगे। और जो हमारा हदफ है वो ये है कि मुल्क में जल्द अज जल्द साफ शफाफ और मावराए आइन मुदाखलत से पाक इंतखाबात हों। हम उस हदफ की तरफ बढ़े हैं, उसमें आज का बयान या आज की स्ट्रेटजी या कोई तजवीज जो है पीडीएम की मुख्तलिफ जमातों की तरफ से जो आती है वो बिल आखिर उसका जो नतीजा है वो सरबराही इजलास के नतीजे में ही निकलना है। बिलावल साहब ने अगर इन हाउस तब्दीली की तजवीज दी है तो वो सरबराही इजलास के सामने रखेंगे कि उनके पास उसके हक में क्या दलाइल हैं और मुख्तलिफ पार्टियां जो हैं जो उसके हक में नहीं वो भी बताएंगी कि क्या क्या इशूज हैं। लेकिन जो हदफ है उसके ऊपर पीडीएम पूरी तरह मुतहद है कि हमें जल्द अज जल्द इंतखाबात करवाने और ऐसे इंतखाबात जो 2018 की तरह अवाम के मैंडेट या सिर्फ मरकज से इस्तीफे देंगे। जी पहली फेज में जी जी पहली फेज में मरकज से इस्तीफे होंगे और फिर हमें अगर महसूस हुआ कि सूबों से भी देने से हमारा जिस तरह मैंने कहा देखिए इस्तीफे हदफ नहीं है, लॉन्ग मार्च हदफ नहीं है, हदफ इंतखाबात हैं और ऐसे इंतखाबात है जिसमें पाकिस्तान की अवाम का एतमाद हो 2018 की तरह वो चोरी शुदा मैंडेट की बुनियाद पर ना हो। और जो हमने ये अब तजर्बा कर लिया है कि ये जो हाइब्रिड निजाम है चोरी शुदा मैंडेट की बुनियाद पे वो अवाम के लिए भूख लेकर आता है, बेरोजगारी लेकर आता है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए तबाही लेकर आता है। पंजाब में कोई ऐसी तब्दीली लाकर हम तहरीक इंसाफ को शहीद बनने का मौका नहीं देंगे ताकि कल को अवाम की अदालत में जाकर यह ना कहें कि हमें ऑपोजिशन ने नून लीग वालों ने पीपल्स पार्टी वालों ने काम नहीं करने दिया, जिससे उनकी बात से यह तासुर मिला कि पंजाब की हुकूमत को आप लोग छेड़ने वाले नहीं हैं, अगर कोई शोर मचाएंगे या कहीं ऐलान जंग होगा आप तो वो मरकज में होगा। तो सवाल यह पैदा होता है कि पंजाब में आप लोग हुकूमत को चलने देना चाहते हैं और मरकज में धक्का देना चाहते हैं। जी नहीं, देखिए पंजाब में भी जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो समझिए एक बाल बराबर मेजोरिटी पकड़े। जो आखिरी टेस्ट हुआ था पिछले साल सेनेट की जो वोटिंग हुई थी 176 हमारे वोट थे ऑपोजिशन के और 183 हुकूमत के वोट थे, सिर्फ 7 का फर्क है। इसका मतलब कि सिर्फ 4 लोग बदल जाएं तो हुकूमत गिर सकती है। और यहां ये ऐसी हुकूमतें हैं पंजाब की भी और मरकज में जो बेसाक्षियों पर खड़ी हैं। मरकज की हुकूमत काफ लीग और MQM दो क्यों है जिसकी बेसाखियों पर खड़ी है और ये जो बेसाखियां हैं ये इमरान खान की मोहब्बत में उनके उनके बगल के नीचे नहीं है, वो कोई और ये एक मॉन्स्टर है फ्रैंकनस्टाइन का जिसे इकट्ठा करके खड़ा किया गया है और वो यही सूरत हाल पंजाब में है। तो जिसका मैंने कहा अगर ये हम अपनी जमहूरी और पुरअमन अमल के जरिए इस चीज पर इंशाल्लाह कामयाब होंगे कि भाई मुल्क में मुदाखलत ना हो सियासी अमल में असेंबलियों में इंतखाबात में, तो अगर हम जब इसमें कामयाब होंगे तो आप देखेंगे कि पंजाब की हुकूमत गालिबन शायद सेंटर से पहले गिर जाए क्योंकि वहां फर्क बहुत कम है और सेंटर में भी आप देखेंगे ये हुकूमत गिरेगी क्योंकि इशू यही है कि अगर हम ये जो इन हाउस तब्दीली की बार बार बात की जाती है उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत भी उस तरह मजबूत नहीं होगी। हल एक ही है, पाकिस्तान के इस वक्त जो बहुत गहरा गड़ा इमरान खान ने खो दिया है पाकिस्तान की मईशत की तबाही का, ज़राअत की तबाही का, फॉरेन पॉलिसी की तबाही का, तरीका है कि इंतखाबात हों। इन हाउस जो चेंज है लेकिन आप देखिए ना जी लेकिन आप लोगों को खुद ही तो कॉन्फिडेंस नहीं है कि नंबर्स पूरे नहीं हो सकते। मरियम बीबी कह चुकी हैं कि अगर बिलावल ने तजवीज दिया तो नंबर्स शो करें, क्योंकि चेयरमैन सेनेट की जो वोटिंग के वक्त जो कुछ हुआ था वो सबके सामने है किस तरीके से वोट कम पड़ गए थे। जी तो वो देखिए ना जी हमें खुलकर बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान की सियासत में और सियासी अमल में जो मावराए आइन मुदाखलत होती रही है अब 73 साल के बाद पीडीएम का बनाने का मकसद ही ये था कि अब ये मामला खत्म होना चाहिए, हमें आइन के मुताबिक इस मुमलकत खुदादाद को गवर्न करना है इस मुल्क में रहने वालों के लिए। जब भी दूसरी कंसिडरेशन आएंगी तो इस तरह की तबाही होगी जो हमने पिछले 2.5 साल में देखी है। और इमरान खान साहब जो मर्जी दावे करें उन्होंने पाकिस्तान की अवाम को सिवाय महंगाई भूख और बेरोजगारी बांटने के अलावा कुछ नहीं दिया। हर पार्टी बंद करना चाहती है, साफ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, ओपन पार्टी को सपोर्ट कर देना आप लोग फिर। जी हाँ
नहीं देखिए ना जी, ओपन ओपन बैलेटिंग के साथ जो ओपन बैलेटिंग की तजवीज आई उसके साथ दो जहर के निश्तर भी तो आए ना जी। बीच में एनआरओ आ रहे हैं कि जी वुजरा को सपोर्ट करने के लिए और उनकी जो कौमी असेंबली की नशिस्तें हैं जिसमें उन्होंने गलत बयान देकर अपने आप को जो है वो एक्सपोज किया हुआ है, उसके साथ दो एनआरओ जुड़े हैं। अगर आप वो जो आईनी बिल पेश किया गया उसको पढ़ें तो एक तरफ तो है कि जी ओपन बैलेट होना चाहिए, उसके साथ दो एनआरओ हुकूमत में डाल दिए। एनआरओ क्या है? ये एनआरओ किसी को भी नहीं मिलेगा, बिल आखिर आवाम के पास जाना। कौन सा एनआरओ? ये है मसलन जी, जी हुकूमत ये आईनी तरमीम भी करना चाहती है कि जो आर्टिकल 63 में लिखा है कि जी जो अगर दोहरी शरीयत का शख्स जो है वो कंटेस्ट नहीं कर सकता, तो हुकूमत की ये तजवीज है कि जी उसको जब तक वो इलेक्ट ना हो जाए तब तक उसको दोहरी शरीयत रखने की इजाजत दी जाए, क्योंकि उसमें एक वफाकी वजीर साहब की मौजूदा आईन के तहत वफाकी वजीर साहब की नशिस्त जो है वो खत्म होती है। वो बड़े अरसे से इसको डिले कर रहे हैं, अदालतों में लाडले हैं, वो डिले हो रहा है, लेकिन उनकी अब जो ख्वाहिश है कि इस एनआरओ के जरिए उनकी वफाकी वजीर साहब की नशिस्त बचा ली जाए। इसी तरह जो है उसके अंदर एक और भी शिक डाली गई जो किसी और दो वुजरा और सेनेटर्स को एनआरओ देती है। दोहरी शरीयत का हामिल शख्स इलेक्शन लड़ सकता है, अगर वो जीत जाता है तो उसको दोहरी शरीयत छोड़नी होगी, वो किसी भी अवामी ओहदे को लेने का तब तक मजाज नहीं है जी, जब तक दोहरी शरीयत नहीं छोड़ेगा। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको अपने कागजात नामजदगी दाखिल कराते वक्त आपकी दोहरी शरीयत नहीं होनी चाहिए, उसको ये तब्दील करने की कोशिश है ताकि एक या दो वाकी वजरा की नशिस्तें बचाई जा सके। तो इस तरह की जो जब आप शख्सी कानून साजी करते हैं, पीडीएम और ऑपोजिशन उसकी भरपूर मजामत करेगी। अच्छा। खुले हाथों के साथ आए और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म बिल के साथ आए, उस पर हम जरूर बात कर सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें, लॉन्ग मार्च का आइडियल वक्त क्या हो सकता है? अभी तो सेनेट इंतखाबात आने हैं, उसके बाद आपको पता है अप्रैल में रमजान आ जाएगा, फिर मई में ईद है, आइडियल वक्त क्या है इसका? मतलब 2-3 महीने बाद आप लोग लॉन्ग मार्च की डेट जो है ना वो अनाउंस करेंगे 4 को? नहीं, मुझे बहुत हद तक कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वस्त मार्च तक, 15 मार्च जो कि वैसे भी तारीखी तौर पे आइड्स ऑफ मार्च कहलाती है, उस पे फैसला होगा कि 15 या 20 के जो 4-5 दिन है उस दौरान ये लॉन्ग मार्च शुरू किया जाए, फिर इस्लामाबाद में आकर धरना दिया जाए। धरना तो फिर तो जिस उनका तो 126 दिन धरना चला था, धरना कितने दिन का होगा? आगे रमजान का महीना शुरू हो जाएगा, फिर ईद आ जाएगी, तो इसके लिए तो प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है, टाइमिंग को देखना पड़ेगा। जो नहीं जी, देखिए हम अपने धरने का आगाज कर देंगे और 126 दिन का जो बेसूद धरना था वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इंतहाई बेजार हैं। पिछले 18 महीनों से अशियाए खुर्दोनोश की महंगाई डबल डिजिट्स में है, पहले दवाइयाँ, फिर चीनी, फिर आटा, अब आपने देखा है कि पिछले महीने घी की कीमतें बढ़ गई हैं, पेट्रोल की कीमतें पिछले 2.5 माह में 5 दफा बढ़ा चुके हैं, 5 दफा बढ़ा चुके हैं 2.5 माह में, हर 15 दिन बाद मुस्तकिल कल जो है 5वीं दफा हर 15वें दिन इन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं। बिजली की कीमत जो है वो तो नाकाबले बर्दाश्त हो गई, अवाम की चीखें निकल गई हैं, सब मिडिल क्लास की चीखें निकल गई हैं। तो ऐसे हालात में तो 126 आईपीपी से जो इतने मुआहदे किए हुए आप लोगों ने, पुराने मुआहदे उन्हीं का नतीजा है। अच्छा, कल शहजाद अकबर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने बोला कि पंजाब में 210 अरब से ज्यादा की रिकवरी हुई है पिछले 2.5 सालों में, और इसमें 39 शख्सियात ऐसी हैं जिनसे जो नून लीग से जिनका ताल्लुक है उनसे पैसे रिकवर हुए हैं, कब्जा माफी हैं सब लोग। जी ये झूठ का पलंदा है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती है, झूठ की बुनियाद पर ये अपनी तौजीहात देते हैं, बाद में इनको पीछे हटना पड़ता है। इन्होंने इल्जाम लगा दिए, झूठे इल्जाम हैं, और इनका जो है एक वक्त आएगा कि ये तमाम झूठे इल्जाम जो इन्होंने हम पर लगाए हैं खुद इन पर लगेंगे। जवाब इन्होंने देने हैं कि पाकिस्तान में चीनी की कीमत में जो अब कम से कम 500 अरब रुपए का टीका लग चुका है वो किसने लगाया है,
जो आटे की कीमत में 300 अरब का टीका लगा है वो किसने लगाया, जो पेट्रोल की कीमत में 330 अरब का टीका लगा है वो किसने लगाया। और अभी देखिए ये अजीब बात है कि इस हुकूमत के पास अपने अराकीन असेंबली को देने के लिए 1,000 करोड़ रुपया है, लेकिन वैक्सीन खरीदने के लिए हम हाथ पे लाकर खड़े हैं कि जनाब हमें कोवैक्सीन दे दी ना। ये तरजीहात आप देखे ना, चाइना आपको खैरात कर रहा है क्या ये 1,000 करोड़ रुपया 11 लाख वैक्सीन का ऑर्डर भी दिया हुआ है। देखिए ना जी, 1,000 करोड़ जी, 11 लाख वैक्सीन 22 करोड़ लोगों के लिए, ये तो 1% का भी आधा फीसद बनती है। मैं तरजीह की बात कर रहा हूं कि जिस 1,000 करोड़ रुपए से पाकिस्तान के अवाम के लिए वैक्सीन खरीदी जा सकती थी, उन वो पैसा ये अपने अराकीन असेंबली को सेनेट के इंतखाबात की रिश्वत के तौर पर दे रहे हैं, ये तरजीहात है और इसका जवाब टोटल जो वैक्सीन है ना वो 1,70,00,000 ऑर्डर की हुई है, ये मरहलावार आएगी ना, एकदम तो नहीं आ जाएगी इतनी। नहीं तो आप देखिए ना, पाकिस्तान की आबादी कितनी है, हमें कहीं तो बताएं, पूरी दुनिया ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स शुरू कर दिए हैं, यहां कोई प्रोटोकॉल्स डिसाइड नहीं हुए कि सबसे पहले किसको लगाएंगे, किस एज ब्रैकेट को लगाएंगे, किस इलाके में लगाएंगे। हमारी तो ख्वाहिश होगी कि सबसे पहले ये बकायदा इसको पब्लिश होना चाहिए, लेकिन कोई प्रोग्राम नहीं। खैरात जब मिलेगी तो खैरात पर चल पड़ेंगे। दुनिया में पहले हेल्थ वर्कर्स को जो है ना वो लगाई जा रही है, डॉक्टर्स को लगाई जा रही है, जो अमला है नर्सेज उनको लगाई जा रही है, पाकिस्तान में भी ऐसे हो रहा है, फिर पूरी दुनिया में फिर जो एज को देखते हुए 60 साल से ज्यादा के लोग हैं उनको लगाई जाएगी। पाकिस्तान में जाहिर है तरजीहात के कीमी है ना, पूरे दुनिया में ऐसे हो रहा है, तो इस पर आप लोग क्यों तनकीद कर रहे हैं? तो नहीं, हम तनकीद इसलिए कर रहे हैं कि अभी तक जो वैक्सीन है वो सिर्फ शहर कराची के एक हिस्से को भी देने के लिए काफी नहीं है, पूरा मुल्क पड़ा है जनाब, मरहलावार आएगी ये बहरान है, महदूद वसाइल के बावजूद पाकिस्तान में आएगी। मरहलावार जो है उस तक आते आते जो है पाकिस्तान के अवाम, इन्होंने बहुत शोर मचाया कि जी पाकिस्तान जो है यहां हमने बड़ा कामयाबी से मेजर किया, पाकिस्तान बैन अल्कवामी तौर पर रेटिंग्स पब्लिश हो गई हैं, डेथ्स के हवाले से पूरी दुनिया में 30वें नंबर पर है, हमसे नीचे 150 और मुल्क है जिसमें पाकिस्तान से कम अमवात हैं और वो छोटे ममालिक हैं, लेकिन पाकिस्तान में अमवात हुई हैं। इनका ये कह देना कि जी हमने बड़ा मैनेज किया है, अभी तक ये मैनेज नहीं कर पाए, और जिनकी ये मिसालें देते हैं वो अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स के सेकंड और थर्ड स्टेज में चले गए। मैं फिर दोहराऊंगा, तरजीह इस बात की है कि 1,000 करोड़, सुनिए 1,000 करोड़ अपने मेंबराने असेंबली को देना है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के लिए वैक्सीन नहीं खरीदनी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लीग नून के रानुमा खुरम दस्तगीर साहब मेरे साथ थे, थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, चीन की तरफ से अतिया करदा 5,00,000 कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आज पाकिस्तान पहुंच गई है, जिसे इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आज़म के मौविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने वसूल किया। वैक्सीन वसूली की तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमें इस बात पर फ़ख्र है कि पाकिस्तान दुनिया में पहला मुल्क है जिसे चीन ने अपनी तैयार करदा कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म अतिया की है। तकरीब में मौजूद चीनी सफ़ीर का कहना था कि चीन ने अपने वादे पर पूरा उतरते हुए 1 महीने के अंदर कोरोना वैक्सीन की फराहमी को यकीनी बनाया। चीनी सफ़ीर का कहना था कि पाकिस्तान और चीन देरीना दोस्त ममालिक हैं, लिहाजा पाकिस्तान के लिए वैक्सीन की फराहमी हमारी पहली तरजीह थी। चीनी सफ़ीर ने सी पैक मनसूबे पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाक चीन राहदारी पर तेज़ी से पेशरफ जारी है और कोरोना के खात्मे और मईशत की बहाली के लिए चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चीन से पाकिस्तान पहुँचने वाली वैक्सीन के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसे इस्लामाबाद में मौजूद एक मरकज़ी स्टोरेज सेंटर में मुंतकिल किया जाएगा और तमाम हेल्थ गाइडलाइंस को सामने रखते हुए ये वैक्सीन विफाक जो है ये सूबों को देगा। ये चीनी वैक्सीन साइनोफार्म की मुकम्मल डोजेस कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई जाएगी।
इस सिलसिले में मुल्क भर में एडल्ट वैक्सीनेशन मराकज़ कायम किए जा चुके हैं, जहां वैक्सीनेशन का अमल डिजिटल मैकेनिज्म के तहत कंट्रोल होगा। वैक्सीनेशन के पहले मरहले में पंजाब में 189 और सिंध में 14 मराकज़ कायम किए गए हैं, जबकि KPK में 280, बलूचिस्तान में 44 और इस्लामाबाद में 14 वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए हैं। आज़ाद कश्मीर में 25 और गिलगित बल्तिस्तान में भी 16 मराकज़ के ज़रिए वैक्सीनेशन जो है ना वो की जाएगी। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सूबे, ज़िले और तहसील की सतह पर भी कोर सेंटर्स कायम किए गए हैं और वैक्सीनेशन का पूरा अमल जो है ये नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम के साथ कम से कम इंसानी मदाखलत के तहत जो है वो काम करेगा। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए हुकूमत ने अगले 10 से 15 रोज़ में 65 साल से ज़ायद उम्र के शहरियों की जो रजिस्ट्रेशन है उसका अमल भी शुरू करने का फ़ैसला किया है। हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेशन लगाने का अमल 3 फरवरी से शुरू होगा, जबकि इस्लामाबाद में वैक्सीनेशन का अमल एक रोज़ पहले 2 फरवरी को यानी कल से शुरू हो जाएगा। कोरोना की वैक्सीनेशन करवाने के लिए तरीक़ाकार के मुतालिक ये बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन करवाने के लिए शहरियों की रजिस्ट्रेशन का ऐलान होने के बाद अपना कौमी शनाख्ती नंबर जो है SMS के ज़रिए हेल्पलाइन 1166 पर भेजना होगा या फिर NIMS की वेबसाइट पर इसको रजिस्टर करवाना होगा, जिसकी तस्दीक के बाद शनाख्ती कार्ड पर दर्ज जो आपका एड्रेस होगा उसकी बुनियाद पर करीबी वैक्सीनेशन सेंटर का जो पता है और पिन कोड शहरियों को आप लोगों को बज़रिया SMS मौसूल होगा। SMS मौसूल होने के 5 रोज़ के अंदर शहर जो है ना वो हेल्पलाइन पर शहरी जो है ना वो कॉल करके या फिर NIMS की वेबसाइट से अपनी वैक्सीनेशन लगवाने का जो मरकज़ है, सेंटर है, उसको चेंज भी आप लोग करवा सकते हैं। और अपॉइंटमेंट वाले दिन शहरियों को अपना जो ID कार्ड है, शनाख्ती कार्ड है और पिन कोड लेकर वैक्सीनेशन सेंटर जो है पहुंचना होगा। और वैक्सीन लगने के बाद 30 मिनट तक सेंटर में ज़ाहिर है ज़ेर निगरानी रहना होगा। ज़राए के मुताबिक तीसरे मरहले में 18 साल और इससे बड़ी उम्र के अफराद को वैक्सीनेशन फराहम की जाएगी, लेकिन 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, अफराद हैं, उनको वैक्सीनेशन नहीं लगाई जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन का पहुंचना यकीनन खुशाइंद है, मगर आज सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ये कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, इसलिए हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी पर वैक्सीनेशन करवाए। मगर सवाल ये है कि कोरोना वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए आवाम को करना क्या होगा, इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुशीर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब ये तो खुशखबरी है ज़ाहिर है लोगों के लिए, चाइना की तरफ से जो 5 लाख वैक्सीन डोनेट की गई है पाकिस्तान को, लेकिन एक बात से अब ज़ाहिर है लोगों को बड़ा कंसर्न है, उसको ज़रा एलैबोरेट कर दीजिए। जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा कि हर कोई अपनी ज़िम्मेदारी पर लगाएगा वैक्सीन, इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो ये ज़रा बता दीजिएगा कि ऑलरेडी जो बीमार हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको शुगर है या कोई हार्ट पेशेंट है, तो क्या क्राइटेरिया होगा वैक्सीन लगवाने का डॉक्टर साहब? मेरे ख्याल से जी उनका कहने का मकसद तो कुछ ये था कि वैक्सीन जो है वो वॉलंटरी बेसिस पे होगी, इसमें ज़बरदस्ती नहीं होगी, तो वो तो बात वाज़ेह है। लेकिन जहाँ तक इसकी सेफ्टी का ताल्लुक है, ये बड़े एक्सटेंसिव ट्रायल्स के बाद अप्रूव की जाती है, तो मैं समझता हूँ कि जो भी अदाद शुमार मौजूद हैं उसके उसकी रोशनी में हम बड़े क्लियरली ये कह सकते हैं कि ना सिर्फ ये वैक्सीन अपनी अफादियत रखती है बल्कि सेफ़ भी है। तो बिल्कुल इसको इस्तेमाल कीजिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो लोग जिनको जिन बीमारियों का आपने जिक्र किया, ब्लड प्रेशर, शुगर, उनमें बल्कि कोविड का रिस्क जो है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क ज़्यादा होता है, तो बल्कि ये एन वो लोग हैं जिनको इस प्रोटेक्शन की बिल्कुल ज़रूरत है। तो वैक्सीन जब आपको ऑफर हो तो ज़रूर इसको लगाना कंसिडर कीजिए। डॉक्टर साहब जिस तरह बाहर के ममालिक में हो रहा है, वैक्सीन जब लगती है उसके हफ्ते दो हफ्ते के बाद फिर लगवानी पड़ती है, 2-3 सेटिंग्स होती हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, एज इट इज़ पाकिस्तान में भी होगा सर? जी, जो ये वाली वैक्सीन है साइनोफार्म, इसकी 2 डोजेज दरकार हैं और वो 3 हफ्ते के गैप से हैं। डॉक्टर साहब हमारे भी जाहिर है वही प्रायोरिटी है, पहले हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज, डॉक्टर्स, उसके बाद फिर आप लोग जिस तरह बाहर हो रहे हैं, ज़्यादा जो 70 साल से ज़्यादा के लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, वहाँ से शुरू करेंगे, हमारे यहाँ भी इसी क्राइटेरिया से लगेगी? जी बिल्कुल, जो सीक्वेंस है वो इसी तरह से होगा, सबसे पहले फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स और उसके बाद 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों से हम शुरू करेंगे और फिर बतदरीज नीचे चलते जाएंगे,
तो कोई मसला नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता हम इसको सारी पॉपुलेशन को कवर कर लेंगे, लेकिन सीक्वेंस ऐसे ही होगा जी। डॉक्टर साहब, जो 5 लाख वैक्सीन चाइना ने डोनेट की है, कि तमाम सूबों में इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? जी, जो चाइना से डोनेटेड वैक्सीन आई है, इसको एक प्रोपोर्शन से दिया जा रहा है, क्योंकि हम फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की एक लिस्ट ले चुके थे अपने सूबों से, और उसी की प्रोपोर्शन से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बिल्कुल एक इक्विटेबल और फेयर तरीके से, उसी रेशो से जिसके के फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स का डेटा हमारे साथ शेयर किया गया। टोटल कितने हेल्थ केयर वर्कर हैं, और आम आदमी की बारी फिर कब आएगी? जी, ये जो फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर हैं, ये तकरीबन 4 लाख की रेंज में हैं, और फिर जो बाकी हेल्थ वर्कर्स हैं वो तकरीबन मिलियन की रेंज में हैं। लेकिन अच्छी बात ये है, जैसे आपने सुना कि इस साइनोफार्म के अलावा हमें जो कोवैक्स फैसिलिटी के थ्रू एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन दस्तियाब होगी, उसकी अच्छी तादाद हमें इसी महीने के आखिर से शुरू हो जाएगी, और पहले से माही में कम से कम 6 से 7 मिलियन डोजेस के लगभग हमें मिलेगी। तो इसलिए हमारी जनरल पॉपुलेशन की जो वैक्सीनेशन का आगाज़ है 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों से, वो इसी दौरानिए में शुरू हो जाएगा। तो प्राइवेट हॉस्पिटल के हेल्थ वर्कर्स को भी फ्री में दे रहे हैं, और अगर प्राइवेटली भी कोई ऑर्डर करना चाहे तो वो कर सकता है क्या? इस वक्त तो जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हेल्थ केयर वर्कर्स को हम दे रहे हैं जी, हम समझते हैं कि सारे हेल्थ केयर वर्कर्स हमारे हैं, वो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में हों, नॉन प्रॉफिट में हों, प्राइवेट में हों, क्योंकि उन्होंने अपनी जानें एट रिस्क लगाई हैं लोगों को कोविड से बचाने के लिए, तो हम सबको कवर कर रहे हैं। एक तो बात यह है, जहाँ तक प्राइवेट प्रोक्योरमेंट का ताल्लुक है एज अ वैक्सीन, वो हमने उसकी इजाज़त दी है, उसमें जैसे ही ग्लोबल अवेलेबिलिटी या सप्लाई होगी, आई एम श्योर कि कुछ पार्टीज आएंगी जो कि इसको इम्पोर्ट करेंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ज़्यादातर तादाद है मुल्क में इस्तेमाल की, जो उसकी बेशतर तादाद है, वो पब्लिक सेक्टर के ज़रिए होगी, यानी फ्री होगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा जा रहा था बाहर अमेरिका में भी और इंग्लैंड में भी यही बातें हो रही थी, कि जब से ये कोविड की दूसरी लहर शुरू हुई है, जो वायरस ने अपनी जो साख्त है इसको बदला है, ये ज़्यादा डेंजरस है, और फिर ये सवालात उठना शुरू हो गए, जो वैक्सीन तैयार कर ली गई है शायद वो उतनी यूज़फुल नहीं है, उतनी मुफीद साबित नहीं हो सकती है। तो हमारे यहाँ अगर मैं आपसे पूछूँ कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद हमारा डेथ रेशो क्या रहा, कितना लोगों ने इफेक्ट किया, और उसके बाद जो आज वैक्सीन आई है ये कितनी यूजफुल रहेगी हमारे यहाँ, तो क्या जवाब होगा इसका? देखिए जी, जो भी वायरसेस होते हैं वक्त के साथ वो म्यूटेशन उनमें होती है, उनकी हयात तब्दील होती है, उनकी जो साख्त है, जो उनकी उनके अंदर जो आरएनए या डीएनए है वो चेंज होता है, ये कोई नई बात नहीं। अब देखना सिर्फ ये होता है कि उससे उनकी जो हरकत है वायरस की, उसकी जो एक्शंस हैं, जो उसका बिहेवियर है, क्या उसमें कोई चेंज आता है कि नहीं। तो ये जो यूके में वेरियंट आया, साउथ अफ्रीका में आया, इन सारी चीज़ों को देखा जा रहा है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक इसको स्टडी कर रहे हैं, और वैक्सीन की अफादियत इनके खिलाफ उसको भी जज किया जा रहा है। तो अभी तक तो ये दिखता है कि मोर ऑर लेस जिसे कहते हैं इसमें अफादियत तमाम वैक्सीन्स की, या जो टेस्ट की गई हैं वैक्सीन्स, वो चल रही है, लेकिन इसको देखना पड़ेगा वक्त के साथ। लेकिन एक चीज़ आपको साथ बताता चलूं कि जब वैक्सीन्स बनाई जाती हैं तो अक्सर ये ख्याल रखा जाता है कि वायरस के उस हिस्से, उस उसके साख्त के उस एलिमेंट के खिलाफ बनाई जाए जो इतना जल्दी से तब्दील नहीं होता। अब जाहिर है इसमें एक साइंस की प्रेडिक्शन शामिल है और इसमें एक एफर्ट शामिल है, ये 100% नहीं होती बात, तो कभी कभार आपको ये हो सकता है कि वक्त के साथ इसमें कोई तब्दीली हो, लेकिन इस वक्त तक जो भी डेटा है उसमें हम कह सकते हैं कि जो ज़्यादातर वायरस की किस्में देखी गई, जो उसकी टाइप्स जिस जो सर्कुलेट कर रही हैं, उसके खिलाफ वैक्सीन की प्रोटेक्शन कायम है। सर, मैं चाह रही हूँ एक आखिरी सवाल, मेरे प्रोग्राम के ज़रिए आप ज़रा लोगों को अवेयर कर दीजिए कि किन लोगों को ये वैक्सीन सूट नहीं कर सकती है। अब जाहिर है किसी को कोई एलर्जी हो सकती है, किसी को और मसाइल हो सकते हैं, तो मैं चाहूँगी कि ज़रा आप लोगों को बता दें कि कौन लोग इस वैक्सीन को लगवाने से गुरेज करें। इस वक्त तो जी जो इंडिकेशंस हैं, जो जिनके या वो कंडीशंस हैं सॉरी, जिनको वैक्सीन इस वक्त हम नहीं अप्रूव कर रहे, उसमें एक तो ये है कि 18 साल से कम लोगों के लिए ये वैक्सीन अप्रूव्ड नहीं है। जो साइनोफार्म वैक्सीन है, ये मैं स्पेसिफिकली साइनोफार्म का जिक्र कर रहा हूँ, उसका जो अप्रूवल है वो 60 ईयर्स से ऊपर, 60 साल से ऊपर का नहीं है। उसके अलावा प्रेग्नेंट खवातीन जो हैं उनके लिए इसका जो है अप्रूवल नहीं है। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन जब आप वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो आप वहाँ बात कर भी सकते हैं और आपको गाइडेंस भी दी जाएगी, क्योंकि तमाम सूबों को हमने रिटर्न इसकी तफसीलात भी मुहैया की हैं, ताकि वैक्सीन सेंटर्स पर भी ये चीज़ अगर पूछी जाए तो उनको गाइड किया जा सके।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल सुल्तान की मशीर बराए सेहत हमारे साथ है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। अमरीकी सदर जो बाइडन के इक्तदार संभालने के बाद अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला का मामला खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। नेटो अहदेदार के मुताबिक अप्रैल के अख्ताम तक इत्तहादी अफवाज का मुकम्मल इनखला नहीं होगा। तालिबान की जानब से माहदे पर अमल नहीं किया गया, अमरीका की नई इंतज़ामिया पॉलिसी में रद्द बदल करेगी, जल्दबाजी में दस्तबरदारी का जो तासुर मौजूद था इसको ख़त्म कर दिया जाएगा और हम इनखला की मज़ीद मौसर हमत अमली देख सकते हैं। नेटो तर्जुमान के मुताबिक उनका कोई इतहादी बग़ैर ज़रूरत के मज़ीद यहाँ ठहरना नहीं चाहता, लेकिन हम वाज कर चुके हैं कि हमारी मौजूदगी हालात की बुनियाद पर होगी। इत्तहादी हालात का मुसलसल जायज़ा ले रहे हैं और अगले इलाहे अमल पर मुशावरत इस पर की जाएगी। लेकिन नाज़रीन हकीकत यह है कि अमरीका और तालिबान के दरमियान गुज़श्ता साल फरवरी में कतर के शहर दोहा में एक मुआहदा हुआ था जिसमें यह तय पाया था कि अफगान हुकूमत तालिबान के 5,000 कैदियों को रिहा करेगी, जिसके बदले में तालिबान अफगान हुकूमत के तकरीबन 1,000 कैदियों को रिहा करेंगे। दोहा मुआहदे में ये कहा गया था कि अफगान हुकूमत के साथ अस्करियत पसंदों की मुकम्मल जंग बंदी के बदले मई 2021 तक तमाम गैर मुल्की फौजें अफगानिस्तान से निकल जाएंगी। मगर दोहा मुआहदे के बाद अफगान हुकूमत और अमरीका का ये मौकिफ है कि तालिबान कशीदगी कम करने का जो वादा है उसको पूरा करें और अलकायदा समेत दीगर इंतहा पसंद ग्रुपों से ताल्लुक भी ख़त्म करें जिसमें वो नाकाम हुए हैं, जबकि तालिबान का दूसरी तरफ ये मौकिफ है कि अमरीका दोहा मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। एक तरफ अफगानिस्तान में तशद्दुद की नई लहर दिखाई दे रही है तो दूसरी तरफ ईरान ने तालिबान को अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात में सालिसी की पेशकश की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ़ ने तहरान में तालिबान के सियासी उमूर के सरबरा मुल्ला अब्दुल गनी बरदर की क़्यादत में आने वाले वफ्द का खैर मकदम किया। ईरानी वजीर खारजा के मुताबिक वो अफगानिस्तान में बसने वाले तमाम नस्ली गिरोहों और मकातब फ़िक्र पर मुश्तमिल हुकूमत साजी की भरपूर हिमायत करेंगे। ईरान का ये मौकफ है कि अफगानिस्तान में जारी तनाज़ात के हल के लिए अमरीका अच्छा सालिस नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान सालिसी करवा सकता है? सवाल ये भी है कि क्या अमरीका और नेटो अफवाज सोची समझी हिकमत अमली के तहत दोहा मुआहदे से दस्तबरदार होना चाहते हैं? सवाल ये भी बड़ा अहम है कि आखिर दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी तालिबान कर रहे हैं या अमरीका कर रहा है? इस पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है माहिर अफगान उमूर सीनियर तजियाकार रहीमुल्ला यूसुफ़ज़ई साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्ला साहब। रहीमुल्ला यूसुफ़ज़ई साहब, दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है, अफगान हुकूमत भी ये बात कर रही है और अमरीका भी ये बात कर रहा है कि तालिबान मुआहदे की पासदारी नहीं कर रहे हैं। तालिबान ये समझ रहे हैं कि काबुल हुकूमत और अमरीका तालिबान की मुआहदे की पासदारी नहीं कर रहे हैं। किसकी तरफ से आपको लगता है कि मुआहदे की पासदारी नहीं हो रही है, या हम दूसरी तरफ ये समझें कि जो बाइडन इंतजामिया की सोच थी कि जल्दबाजी में अगर इनखला होगा तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, आपको लगता है इसी वजह से मुआहदे पर दोबारा नजर सानी की बाइडन इंतजामिया ने बात भी की थी? देखिए, पहली बात तो ये है कि चूंकि मुज़ाकरात जो हो रहे हैं बैनुल अक़वाम बैनुल अफ़गान, उसमें कोई पेशरफ नहीं हो रही और ये नजर आ रहा है कि बड़ी एक बेयकीनी की फजा है, इसलिए ये इल्जाम लग रहे हैं। अगर इसमें पेशरफ होती तो फिर शायद ये इल्जाम न लगते। दूसरी बात यह है कि देखें, जो बाइडन की हुकूमत चाहेगी कि वो ट्रंप से ज़रा मुख्तलिफ नज़र आए, वो अमरीकी मफादात का ख्याल रखें। उनका ख्याल ये है कि ट्रंप ने जो तालिबान से मुआहदा किया उसमें तालिबान की काफ़ी शराइत मानी और अमरीका उनसे कोई भी शर्त नहीं मनवा सका, तो ये उसमें थोड़ी तब्दीली चाहेंगे। एक और भी इनकी ख्वाहिश है, ये कम से कम एक फौजी अड्डा अफगानिस्तान में अपने हाथ में रखें और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में वहाँ पे थोड़ी सी फौज भी रखें और तालिबान ये बात मान जाए।
तो ये तालिबान के ऊपर दबाव बढ़ाने की कोशिश है। तालिबान समझते हैं कि ये अफगान हुकूमत जो है ये इस अमन के सिलसिले की सबसे बड़ी रुकावट है और वो बार बार कह चुके हैं। वो कह रहे हैं अभी जो मुज़ाकरात तो हो रहे हैं जो 5 जनवरी को शुरू हुए उसमें अफगान हुकूमत जो है वो बिल्कुल संजीदा नहीं है। तो मेरे ख्याल में तो आपको लगता है अमेरिका के जो कंसर्न्स हैं, नेटो के जो कंसर्न्स हैं कि जल्दी में इनकला नहीं होना चाहिए, हालात की बुनियाद पर फैसला किया जाएगा, क्या वाकई अमेरिका नेटो ये समझते हैं कि काबुल हुकूमत अभी इस काबिल नहीं है कि वहाँ का जो सिक्योरिटी सिस्टम है या हम के हवाले से को वो ज़्यादा जो है ना वो इस पर काम कर सकते हैं या हालात को संभाल सकते हैं? देखिए ये तो बात की सोच है, ये एक नई बात सामने आई है। हालांकि जो दोहा में मुआहदा हुआ पिछले साल फरवरी में उसमें 14 महीने की मुद्दत दी गई कि इसमें गैर मुल्की फौज निकल जाएगी, तो 14 महीने तो काफ़ी अरसा है, ये कोई जल्दबाजी नहीं हो रही। और मैं समझता हूँ कि ये अभी भी इसमें कुछ अरसा है। तो ये जो बाइडेन अगर ये समझते हैं कि तालिबान जो हैं उनसे फिर बातचीत होनी चाहिए, मुआहदे के ऊपर नज़रसानी होनी चाहिए, तो वो भी मुमकिन है। तालिबान बातचीत से इनकार नहीं करेंगे। काबुल हुकूमत क्यों रिलक्टेंट है? देखिए काबुल की हुकूमत तो काफ़ी गुस्से में थी। एक तो उनको पिछले मुज़ाकरात में जो अमेरिका और तालिबान के हुए शामिल नहीं किया गया, फिर जो मुआहदा हुआ वो अमेरिका और तालिबान को दरमियान हुआ, लेकिन उसमें अफगान फौज को 5,000 तालिबान कैदी रिहा करने पड़ गए, हालांकि उनकी मर्जी नहीं थी, उनके ऊपर अमेरिकी दबाव था। अब भी तालिबान कह रहे हैं कि दोहा जो मुआहदा हुआ पिछले साल फरवरी में उसमें ये भी लिखा है जो मज़ीद तालिबान कैदी हैं उनको भी अफगान हुकूमत रिहा करेगी, और जो उनके रहनुमाओं के नाम हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की ब्लैक लिस्ट में वो नाम भी निकाले जाएंगे। तो वो तो तालिबान तो कह रहे हैं कि हम वादे के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद कर रहे हैं, अमेरिका बहाने ढूंढ रहा है इस वादे को ख़त्म करने के लिए, उनका एक मौकफ है। अफगान हुकूमत जाहिर है उसको गैर मुल्की फौज का तावन चाहिए, अगर गैर मुल्की फौज तो इस सिलसिले में जो तालिबान क़यादत ने तेहरान का दौरा किया है, फिर तेहरान ने पेशकश भी की है कि वो सालिस बनने को तैयार हैं इस मुआहदे में अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान, क्या ये पॉसिबल है? ये कितना आपको लगता है कि ये अच्छी पेशरफ्त हो सकती है? देखिए ईरान ने इससे पहले भी इस तरह की पेशकश की है, लेकिन ये इस मसले में अमेरिका बड़ा फरीक है, अमेरिका की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होगा। तो अगर ईरान इस तरह सालिसी करता है तो उसको अमेरिका नहीं मानेगा। तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छी पेशकश है, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। आप देखें तुर्की के सदर जो हैं तैयब अर्दोगान, उन्होंने कहा है कि वो तुर्की अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरबराह कॉन्फ्रेंस अफगान अमन के हवाले से करने को तैयार है, उसके मेज़बान होंगे। तो ये सारे इस तरह कह रहे हैं, लेकिन आप देखें कि असल फरीक जंग में कौन है? असल फरीक तो तीन ही है ना, अमरीका है, तालिबान है और अफगान हुकूमत। बिल्कुल, और अमरीका की मर्ज़ी के बगैर कुछ हो नहीं सकता। नहीं, अमेरिका की मर्जी नहीं होगी तो चीन और रूस जैसी बड़ी ताकतें भी कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अफगान उमूर सीनियर का रहीमुल्ला यूसुफ जई साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। वफाकी हुकूमत ने 4 साल के बाद कौमी फ़ज़ाई कंपनी AHS इंटरनेशनल एयरलाइन का लाइसेंस बहाल करने की तैयारी की है। मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से आयद करदा संगीन इल्ज़ामात की वजह से AHS इंटरनेशनल एयरलाइन का लाइसेंस मनसूख कर दिया गया था। सिविल एविएशन अथॉरिटी की दरख्वास्त पर AHS एयर इंटरनेशनल पर लगने वाले 7 संगीन इल्ज़ामात की आला सतह पर इंक्वायरी भी कराई गई। इंक्वायरी कमेटी ने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और फिर 4 साल के बाद फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल करने की राह को हमवार किया। 4 साल तक मुल्की एयरलाइन की बंदिश से मुलाजमतों और ज़ाहिर ज़र मुबादला का बड़ा नुकसान भी हुआ। दूसरी तरफ मुल्क में
तालीम के फ़रोग की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मुश्किल जो है ना वो इम्तहान से दो चार हो गई है। वफाकी दारकूमत के सरकारी स्कूलों के लिए मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत ने 200 बसें खरीदी गई थी, मगर ये बसें आज तक इस्तेमाल में नहीं लाई जा सकें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन बस्तों को इस्तेमाल करने से मुतालिक हिदायत जारी की तो वजारत ख़जाना और काबीना डिवीज़न ने इन बसों के इस्तेमाल के लिए सालाना 30 करोड़ रुपये फ़ंड्स फराहम करने की मुखालफत कर दी है, जिसकी वजह से वजारत तालीम ने वफाकी काबीना से यह सिफारिश की है कि ये अखराजात स्कूल मैनेजमेंट कमेटी तलबा से वसूल करे। सवाल यह है कि मेट्रो बसेस को सालाना अरबों रुपए सब्सिडी फराहम करने वाली हुकूमत मुस्तकबिल के जो ज़ाहिर है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आगे चलकर मुल्क का नाम रोशन करना है, इस मुल्क के लिए काम करना है, उनको इस मसले पर सब्सिडी फराहम करने पर आखिर ये लोग क्यों तैयार नहीं हैं? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान कल जो कैबिनेट सेशन है, इजलास है, इसमें तलबा को कुछ रिलीफ फराहम करने की हिदायत करेंगे या वजारत ख़जाना का ही जो मौक़िफ़ है हमेशा की तरह उसको ही तस्लीम किया जाएगा? इस पर हतमी फ़ैसला वफाकी काबीना का जो कल इजलास होने जा रहा है उसमें होगा। मैं बात करूंगी इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल। सुहेल, सबसे पहले ये जो बताइएगा कि यूएई की तरफ से इल्ज़ाम लगाए क्या गए थे जिसकी वजह से ये 4 साल तक इस एयरलाइन का जो शेड्यूल था वो मुतासर रहा, बंद रहा? शाजिया, ये एचएस एयर इंटरनेशनल पाकिस्तानी फजाई कंपनी थी जिसे 2011 में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चार्टर और कार्गो सर्विस का लाइसेंस दिया गया। बहुत अच्छी इसने सर्विस की और जिससे बहुत से लोगों को रोज़गार भी मिला और पाकिस्तान को ज़र मुबादल हासिल करने का भी मौका मिला। लेकिन बदकिस्मती के साथ 2015 में मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से उनकी जो एक गल्फ सिविल एविएशन अथॉरिटी है उन्होंने वाया मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारत खाने के ज़रिए एचएस एयर इंटरनेशनल के ऊपर बहुत संगीन किस्म के इल्ज़ामात आयद किए। मजमू तौर के ऊपर 16 इल्ज़ामात थे लेकिन 7 इल्ज़ामात बहुत संगीन थे। उस वक्त पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी हरकत में आई और ये बहुत परेशान कुन बात थी कि जो इल्ज़ामात हैं उसकी वजह से पाकिस्तान के लिए आलमी सतह के ऊपर भी एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल सामने आ सकती है। अल्टीमेटली इस कंपनी का लाइसेंस 2016 में वो मुअत्तल किया गया, मनसूख किया गया और उसका उसका जो ऑपरेशन था वो भी बंद हो गया। लेकिन उसके बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ये मामला पाकिस्तान की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी को अरसाल किया और उसने इस मामले की इंक्वायरी की। नाइट एडिशन को मसूल होने वाली दस्तावेज के मुताबिक जो 7 मेजर इल्ज़ाम हैं उसके अंदर कहा गया कि एक रिटायर्ड अफसर ने एक पाकिस्तान के इदारे से असला हासिल करके, अमोनीशन हासिल करके इस सर्विस के जरिए से बैरून मुल्क मुंतकिल किया। अच्छा। उसके बाद क्या गया कि गैर कानूनी तौर के ऊपर मनी ट्रांसफर होती रही। उसके बाद कहा गया कि एक मुख्तलिफ अरब ममालिक में जिसमें सऊदी अरब का नाम लिया गया, एक और अरब मुल्क का नाम लिया गया कि इस एयर जो त्यारा था इसने खिलाफ जाब्ता उनके सिविल एयरपोर्ट की बजाय जो उनके फोर्सेज के एयरपोर्ट से वहां पर इसने लैंड किया। अच्छा। उसकी क्या वजूहत थी और इसके अलावा और बहुत से संगीन इल्जामात आयद किए गए। जितने मुमालिक के कंसर्न्स हैं उन मुमालिक को आगाह कर दिया गया है, उनके कंसर्न्स तो अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे। डेफिनेटली उनके कंसर्न थे जिसकी वजह से इसका फजाई ऑपरेशन मुअत्तल करना पड़ा और सिविल एविएशन ने नेशनल एविएशन पॉलिसी 2019 के तहत अब सारी जाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल कर ली है इस कंपनी के खिलाफ, जो लगता यह है कि कुछ मुल्क दुश्मन अनासिर ने अपने मजमू मकासद के हासिल के लिए पाकिस्तान की फजाई इंडस्ट्री को मुतासर करने की कोशिश की कि पाकिस्तान एक चार्टर फ्लाइट्स में, कार्गो फ्लाइट्स के अंदर एक नाम अगर पैदा करने जा रहा है तो उसको किसी न किसी तरीके से डैमेज किया जाए, जिसे अल्टीमेटली नाकाम बनाया गया है तमाम तर सबूतों की रोशनी में। जिसके बाद अब सिविल एविएशन अथॉरिटी की सिफारिश पर एविएशन डिवीजन ने वफाकी कैबिना से सिफारिश की है कि 2016 से ऑनवर्ड टू डेट इसका जो लाइसेंस है वो बहाल किया जाए। यकीनन अब ये कल काबीना के इजलास में डिस्कस होगा, कल अप्रूवल ली जाएगी, शुरू कर सके, कल अप्रूवल होगी इसकी। एग्जैक्टली अब ये वफाकी, ठीक है, एग्जैक्टली वफाकी काबीना के एजेंडे पर शामिल है और हतमी मंजूरी इसकी कल ली जाएगी। अच्छा, ये जो इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों के लिए जो साबका दौर में दौरे हुकूमत में 200 बसें खरीदी गईं मगर आज तक इस्तेमाल नहीं हुई, अब कहा जा रहा है कि इनको चलाने के लिए सालाना 30 करोड़ रुपये फंड्स चाहिए, वजारत ख़जाना ने तो इनकार कर दिया। वफाकी काबीना से कल इस पर भी बात होगी, इस पर भी सिफारिश की जाएगी कि ये फंड्स भी जारी करें।
शाजिया, बिल्कुल वफाकी दारुलहुकूमत में प्राइम मिनिस्टर एजुकेशन रिफॉर्म्स प्रोग्राम के तहत 2017 और 18 में 2016 और 17 में 200 बसें, नई बसें स्कूलों को फराहम की गई, लेकिन उनके लिए ड्राइवर, उनका ऑपरेशन, मेंटेनेंस कोई इंतज़ाम नहीं था, ये बसें इस्तेमाल में नहीं आ सकी। लेकिन मामला ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो तालीम और सेहत के हवाले से सबसे लीडिंग अपना रोल प्ले करते हैं आए रोज़, और वो माजी की हुकूमतों को क्रिटिसाइज़ करते हुए दिखाई देते हैं कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अरबों डॉलर्स खर्च किए लेकिन जहन साजी के ऊपर, तालीम के फ़रोग के लिए पैसे खर्च नहीं किए गए। अब उसी हुकूमत प्राइम मिनिस्टर की, इमरान खान की हुकूमत में वजारत खजाना और कबीना डिवीजन ने इन बसों के लिए फंड्स फराहम करने की मुखालफत कर दी है। दो ऑप्शन थी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 15 करोड़ रुपए वफाकी हुकूमत दे, या पूरा जो उसका एक्सपेंस है सालाना 31 करोड़ रुपए वो वफाकी हुकूमत अदा करे। दोनों ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया गया है कैबिनेट डिवीजन की जानिब से। अच्छा। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा क्या गया है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो मुखय्यर हजरात से कलेक्शन करती है वो उस रकम से इस इन बसों को चलाने के लिए किरदार अदा करे। अच्छा। और महाना बुनियादों के ऊपर बच्चों से पैसे वसूल करके इनको बसों को चलाया जाए, जो कि नामुमकिन है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कड़ा इम्तिहान है कि हमेशा इस बात को वो इन्होंने इनकरेज किया है। शामिल है ये मुद्दा पेश किया जाएगा कल। जी बिल्कुल, कबीना के एजेंडे में ये मामला शामिल है और कोशिश ये की जा रही है कि वफाकी हुकूमत एक रुपया भी ना दे और मुखय्यर हज़रात से और तलबा से रकम इकट्ठी करके इन बसों को चलाने की कोशिश की जाए, जो कि काबिले अमल दिखाई नहीं देता। तलबा से पैसे इकट्ठे करने की इनकी स्ट्रैटेजी है, तो यकीनन ये एक नाकाम स्ट्रैटेजी होगी और ज्यादती होगी स्टूडेंट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल भट्टी हमारे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।